नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने। आज कुछ बात करेंगे अस्थमा के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, विंटर सीजन है, सबसे ज़्यादा जो प्रिवेलेंट है बीमारी वो है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है जब अस्थमा और कफिंग जो खांसी होती है वो एक समय पर आती है तो उसको ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं। बहुत खांसी होती है, विजिंग सेंसेशन होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, उसके साथ साथ खांसी जोरों से होती है, वलगम निकलता है, चाहे वो वाइट भी हो या फिर ग्रीन हो, येलो हो, कोई भी तरह का। तो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के लिए जो टॉप का मेडिसिन है वो होम्योपैथिक में, मैं इसके बारे में बहुत वीडियो कर चुका हूँ, 3-4 वीडियो से ऊपर होगा, और दूसरे जो मैंने वीडियोस किया है उसमें भी मैंने इंक्लूड किया है जो इंडिविजुअल दवाई है। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे, एक एडवर्टाइजमेंट आता है, आप लोगों ने देखा होगा शायद अस्थमा के ऊपर, एक पर्टिकुलर एलोपैथिक के जो ड्रग कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट आता है कि आप दवाई लें, उससे बेहतर है हम इनहेलर यूज़ करें। उसमें कई तरह के सेलिब्रिटीज़ को दिखाया गया है, वो चाहे क्रिकेटर हो, कोई बॉलीवुड का एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, और दूसरे डिफरेंट फील्ड्स के कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, नामी दामी लोग हैं, जिनको एक उनकी छवि देकर, उनका एक टेस्टिमोनियल देकर ये दिखाया गया है कि अस्थमा का बस एक ही इलाज है और वो है इनहेलर, और वो लोग स्टीरॉयड का इनहेलर लेने को मना नहीं कर रहे हैं, वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। दवा लो, उससे बेहतर है इनहेलर लो। क्यों भाई, एक्सेप्ट आपके जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट का, उसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है दुनिया में। होम्योपैथी है, आयुर्वेदी है, एक्यूप्रेशर है, योगा है, प्राणायाम है, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है जिससे हम जो भी अस्थमा की सिम्टम्स है उसको रिलीव किया जा सकता है। लेकिन लोग इसके बारे में नहीं जानते, एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे भाई, प्रियंका चोपड़ा ने लिया इनहेलर, वो बोल रही है हम भी ले सकते हैं, शर्म की कोई बात नहीं है, इनहेलर लीजिए। तो ये जो प्रमोट किया जा रहा है बहुत खराब बात है, बहुत बुरी बात है सोसाइटी के लिए। मैं आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बता दूं, होम्योपैथिक में बहुत ही बेहतरीन दवाई है अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के लिए, क्विकली भी रिलीफ करेगा और इसको जड़ से भी खत्म करेगा। लेकिन अगर आप इसके आदि हो गए जो इनहेलर्स के, आपकी जिंदगी हेल बन जाएगी, हेल नर्क बन जाएगी। सच में बता रहा हूं, जो लोग वो दिखा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में, वो एक मतलब ड्रीम है, एक सपना है। हकीकत में जब आप आएंगे तो ठीक उसका ऑपोजिट है, आपकी जिंदगी नर्क बन जाएगी, पल पल को तरसेंगे आप। इनहेलर के सहारे जो पेशेंट है जी रहे हैं, वो मेरे पास ऐसे भरे पड़े पेशेंट, आप कभी उनके साथ बात करके देखिए किस तरह से तड़प रहे हैं वो, उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। जो लोग स्टीरॉयड्स का इनहेलर लेते हैं उनकी जिंदगी तो बहुत खराब हो चुकी है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, आंखें धस जाती है, पतले हो जाते हैं एकदम, खाने पीने का कोई सवाल नहीं, भूख ही नहीं लगती उनको, उनके जितने भी जोड़ होते हैं वो खराब हो जाते हैं और एवियन का शिकार बनते हैं वो लोग जाकर, इतना खराब कंडीशन। स्टीरॉयड का इस्तेमाल लॉन्ग टाइम तक करने से उसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं, चाहे आप इनहेलर की शक्ल में क्यों ना ले, लेकिन वो तो सर्कुलेशन में जाएगा ही ना। वो जो कंपनी वाले और दूसरे डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आप टैबलेट स्टीरॉयड का लो, उससे बेहतर है इनहेलर, ये बिल्कुल सही है। टैबलेट से अगर 100% नुकसान होता है तो इनहेलर से भी होता है 60-70%, लेकिन साइड इफेक्ट बिना वो नहीं हो सकता। आप लोग ये समझने की कोशिश करें, इनहेलर्स भी जब आप डायरेक्टली इनहेल करते हैं वो जाकर आपके फेफड़ों के थ्रू जाता है और एल्वियोलाई में तक जा सकता है। वो एल्वियोलाई में जो लास्ट वाला होता है, जो फूल गोभी की तरह होता है, वहां पर ब्लड का आदान प्रदान, जो खून का नलियां होती है वहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में आदान प्रदान होता है, वहां से बाहर का जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो वहां पर जाता है बॉडी के अंदर सेल में, और सेल का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सांस के थ्रू बाहर आता है। तो जब वहां पर सर्कुलेशन में आप वो डस्ट स्प्रे करेंगे, कोई भी अगर स्टीरॉयड वाला, तो वो तो सर्कुलेशन में जाएगा ही, तो बॉडी के लिए खतरा तो है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के सर से लेकर पांव तक हर कहीं पर जाता है, तो खतरा तो डेफिनेटली है। कैसे हम बता सकते हैं कि कोई खतरा नहीं है? डेफिनेटली टैबलेट से थोड़ा कम खतरा है, लेकिन खतरा है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक लेंगे उसको तो ये डेफिनेटली आपके लिए खतरा है। एक दिन ऐसा आएगा वो स्टीरॉयड भी काम नहीं करेगा, आप नेबुलाइजेशन कर करके थक जाएंगे,
फिर ऑक्सीजन सिलेंडर रखेंगे, फिर क्या होगा, उसका इलाज क्या है? ऐसे करोड़ों लोग मर रहे हैं पूरे वर्ल्ड भर में, फिर भी इनका दिमाग नहीं खुल रहा है, बस बिजनेस के चक्कर में तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और आप लोगों को लुभा रहे हैं, सबका दिमाग खराब हुआ पड़ा है। ऐसा ना करें। कितने वीडियोस मैंने अस्थमा के ऊपर बनाए, और आप होम्योपैथी का इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ खाने पीने का परहेज करें, थोड़ा थोड़ा योगा प्राणायाम करें, सिंपल से योगा प्राणायाम बहुत सारे हैं, आप कुछ दिनों में देखेंगे आपका जो प्रॉब्लम है, जो आप इनहेलर ले रहे हैं, वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो कम होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आप उसके जो आदि है, आप हैबिचुएटेड बन गए हैं उसके, वो आपसे छूट जाएगी। और होम्योपैथी के साथ आप उसको ले सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है आपने इनहेलर्स, तो उसके साथ भी आप होम्योपैथी ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी दवाई चलती जाएगी, धीरे धीरे उसका डोज कम करने की कोशिश करें और अंत में उसको बंद कर दें। ऐसे कई बेहतरीन दवाई है, चाहे आर्सेनिक हो, इपिका को, एंटीमटाट है, स्पॉन्जिया है, लाउरोसरसस है, ये तो पोटेंसी में हमने कहा। फिर उसके बाद मदर टिंचर में आता है एस्पिडोस्पर्मा है, पोथोस है, ग्रिंडेलिया, आरालिया, ब्लाटा ओरिएंटालिस, एस्पिडोस्पर्मा, लोबेलिया, ऐसे कई दवाइयाँ, अनगिनत दवाइयाँ हैं। फिर उसके बाद जब हम पोटेंसी में जाते हैं, जो हायर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में थुजा है, नटरम सल्फ है, कैल्केरिया कार्ब है, साइलिशिया है, फॉस्फोरस है, बेसिलनम है, ट्यूबरकुलिनम है, अनगिनत दवाइयाँ हैं, हमारे पास स्कोप बहुत बड़ा है। अगर आप होम्योपैथी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो लिमिटेड दवाइयाँ हैं उनके पास, बस वो ख़त्म हो गया, बस आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। तो ऐसा ना करें, ये जो एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में ना पड़े, और जितनी जल्दी हो सके होम्योपैथी का इस्तेमाल शुरू करें। मैं देख रहा हूँ आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी इनहेलर दे दिया जाता है, 2 से 3 इनहेलर स्टीरॉयड का, वो भी आप सोचिए एक दिन ऐसा आएगा जब वो बड़ा हो जाएगा, इनहेलर नहीं छूट पाएगा वो, क्योंकि ये जो हैबिचुएटेड हो जाते हैं ज़्यादातर लोग, तो क्या होगा उसकी ज़िंदगी। वो लोग बोलते हैं कि बड़ा होने से इसका इनहेलर छूट जाता है, लेकिन हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जो इनहेलर छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए, तो वो लोग क्या करेंगे। ध्यान से सोचिए इसके बारे में, आपकी ज़िंदगी का सवाल है और आपके बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। जब आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे, बहुत खतरा है आगे। आज ही समय है उसको, मतलब चेंज करिए अपने वे ऑफ ट्रीटमेंट को, होम्योपैथी की तरफ रुझान कीजिए। आप साथ ही साथ एलोपैथी ले सकते हैं शुरुआत के कुछ दिनों में, फिर आहिस्ता आहिस्ता एलोपैथी का डोज कम करके उसको बंद कर देना है। आपको अवेयर करना था, मैंने कर दिया, बाकी आपकी मर्जी। और जो मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि नए वीडियोस जो मैं बनाऊँ तुरंत आपके जो नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचे आपके पास। और जो मेरे पुराने दोस्त जुड़ रहे हैं, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, इतना शेयर करिए ताकि ये जो चीज़ है लोगों तक पहुंचे, जिनको ज़रूरत है उनके पास ज़रूर पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार।